नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कार में जो अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग वो जरूरी क्यों होता है। इस टॉपिक पे आज बात करेंगे और दिखाऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है तो आपकी गाड़ी किस तरह का बिहेव करेगी, व्हील बैलेंसिंग खराब है तो फिर आपकी गाड़ी किस तरह का बिहेव करेगी। तो चलिए अब आपको एकदम से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जैसा कि करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी गाड़ी 80 के ऊपर जाती है, अभी आप स्पीड देखिएगा, स्पीड अभी 60 के समथिंग है, और जब गाड़ी 80 के ऊपर जाएगी तो हमारा जो स्टेयरिंग है हमारी कार का, ये थोड़ा वाइब्रेट करेगा। जो कि अभी मेरी गाड़ी में वो इशू नहीं है, मैं स्टेयरिंग छोड़ के चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और हल्का सा मेरी गाड़ी में अलाइनमेंट का इशू ज़रूर है जो मैं फिक्स करवा लूँगा, बाकी मैं आपको बताऊँ। तो जो व्हील बैलेंसिंग का असर पड़ता है मेन स्टेयरिंग पे, क्या पड़ता है, जब आपकी गाड़ी 80 के ऊपर जाएगी तो आपको पता चलने लगेगा कि हमारी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग आउट है। और जब अलाइनमेंट के बारे में बात करूं, स्ट्रेट हाईवे पे जाइए जहाँ की रोड मतलब सीधी हो, और फिर आप देखिए जैसे कि सामने की रोड सीधी है और कार की स्पीड आप देख सकते हैं 80 के समथिंग है, और मैं छोड़ रहा हूँ अपने कार का स्टेयरिंग। तो अभी आप देख सकते हैं कि कार एकदम से स्ट्रेट जा रही है, हल्का सा थोड़ा सा इसमें 19-20 का फर्क है जो स्टेयरिंग राइट साइड की ओर टिल्ट हो गया है। बता दूं कि देखिए 80 के बाद भी मेरी कार में किसी भी प्रकार का मतलब स्टेयरिंग में इशू नहीं है, और कार मेरी जब मैं स्टेयरिंग को छोड़ता हूँ तो राइट साइड की ओर भागती है। यहाँ पर स्पीड आप देख सकते हैं, स्पीड लगभग 100 टच कर चुकी है। तो चलिए, और यहाँ पर अब 100 पे थोड़ा सा मेरी गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो वाइब्रेट किया है, आप नोटिस करिएगा। आपको बता दूं कि जो भी गाड़ियाँ स्टील रिम वाली होती हैं, अलॉय व्हील वाली होती हैं, उनमें अक्सर यही होता है कि जब वो गड्ढे में जाती हैं गाड़ियाँ तो उनका व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट आउट हो जाता है, जिस वजह से हमें फिर ड्राइविंग क्वालिटी उस हिसाब की नहीं मिल पाती है। हाँ भाई, अब आप देखिएगा मैं कार को थोड़ा सा भगा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट रोड है। तो अभी आप स्पीड देखिएगा कि 100 टच करने वाली है स्पीड, और स्टेयरिंग पे अभी किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं है, और 100 टच हो चुकी है स्पीड। लेकिन 100 पहुंच जाने के बाद हल्का फुल्का इसमें वाइब्रेशन आता है और अलाइनमेंट का हल्का सा इशू है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अगर आपकी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट आउट है तो आपकी गाड़ी कैसा बिहेव करेगी। और इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग जो है वो ख़राब है तो आपके टायरों पर क्या असर पड़ेगा, आपके स्टेयरिंग पे क्या असर पड़ेगा, और अलाइनमेंट अगर ख़राब है तो आपके टायरों पे क्या असर पड़ेगा। तो कार को जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो हमको ये उम्मीद रहती है कि कार हमारी अच्छे से चले, स्टेयरिंग अच्छा रहे, और हमें राइडिंग क्वालिटी, हैंडलिंग क्वालिटी सब कुछ एक नंबर का मिले। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, ये जो प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग हो गई और अलाइनमेंट हो गई, इन सब की वजह से हमें उतना ड्राइविंग का मज़ा नहीं आ पाता है। तो उसी के लिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखा दिया कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ही सस्ते में बन जाती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अलाइनमेंट का चार्ज 250 से 300 रुपये लिया जाता है, और व्हील बैलेंसिंग का ऐसे ही कुछ उसमें जो बेट्स लगते हैं उनमें 2-3 रुपये ग्राम के हिसाब से लिया जाता है। मेरी कार में थोड़ा सा अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग का भी इशू है, लेकिन मैं व्हील बैलेंसिंग अभी नहीं करवाऊंगा, व्हील बैलेंसिंग मैं नागपुर में करवाऊंगा, क्योंकि उधर जो स्टील रिम होती हैं उनको थोड़ा सा सीधा किया जाता है एक मशीन में डाल के, जो बेंड हो जाती हैं, और इसके बाद फिर उसकी व्हील बैलेंसिंग की जाती है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब वो वर्क करती हैं फिर दोबारा। और अलॉय व्हील अभी लगवाने का प्लान तो पूरा है, लेकिन जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि जिस रेट में मुझे अलॉय व्हील मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से अभी अलॉय व्हील इसमें नहीं लग रहे हैं, और थोड़ा माइलेज का भी इशू हो जाता है अलॉय व्हील लगवाने के बाद। आपको तो पता ही है कि डीजल के रेट क्या हैं, और अभी तो मेरे मतलब एमपी में जैसा कि मैं रहता हूँ तो इधर डायरेक्ट 17 से 18 रुपए डीजल के रेट घट गए हैं। तो इस साइड मिल रहे हैं 93 कुछ ऐसे करके मिल रहा है डीजल, तो अब कुछ राहत मिली है, लेकिन अभी भी बहुत ही महंगा है। बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी राइट साइड की ओर भाग रही है तो ये मान के चलिए कि जो टायर दिख रहे हैं ये राइट साइड की ओर ज्यादा घिसेंगे। आप अलाइनमेंट नहीं करवाते हैं टाइम पे, इसमें बहुत ही मेजर नुकसान होता है, जो बहुत ही चुपके चुपके होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा जब आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो चुका होगा। बता दूं कि पीछे वालों में अलाइनमेंट नहीं होता, केवल फ्रंट में होता है। तो अभी आप देखेंगे कि हमारी जो गाड़ी के टायर है वो प्रॉपर तरीके से है, अच्छे हैं अभी, और उनमें किसी भी प्रकार का अनियमन घिसावट नहीं है। तो ये अलाइनमेंट का कमाल है,
और व्हील बैलेंसिंग से क्या होता है मैं आपको बता दूं, व्हील बैलेंसिंग से टायरों में गड्ढे पड़ने लगते हैं, क्योंकि जब रिम ऐसे जंप लेती है हाई स्पीड पे तो टायर्स भी उसके साथ जंप लेते हैं, तो इससे होता यह है कि जो टायर्स हैं उनमें गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। और फिर हमारी गाड़ी जब स्लो स्पीड पे हम चलाते हैं तो स्लो स्पीड पे थोड़ा सा गाड़ी झूलती हुई चलती है, ऐसे थोड़ा सा झूलेगी इस तरह स्लो स्पीड पे, और हाई स्पीड पे आपको जब 80 क्रॉस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है और आपकी कार और कार भी हल्की फुल्की धड़धड़ा रही है। गाड़ी में अगर इस तरह की बबलिंग आती है तो आप समझ जाइएगा कि हमारी गाड़ी का जो व्हील बैलेंसिंग है वो आउट हो चुका है, या तो फिर कोई ऐसा टायर है जो टायर कहीं ना कहीं से फूल चुका है, या तो फिर किसी टायर में हवा कम है। व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक वीडियो मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपनी जो गाड़ी के रिम्स हैं उनको सीधा करवाऊंगा और इसके बाद फिर व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट हर चीज़ करवाऊंगा। इस वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।